नागिन 6 में प्रार्थना ने बचाया रुद्र की जान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रार्थना को शेष नागिन बनना पड़ा रुद्र की जान बचाने के लिए, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल गपशप्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल नागिन 6 का एक प्रोमो आया है जिसमें प्रार्थना यानी कि तेजु प्रकाश प्रतीक सहजपाल यानी कि रुद्र की जान बचाते नजर आती है। आपको बता दें कि प्रोमो में ये बताया गया है कि प्रार्थना रुद्र के ऑफिस आती है, जहां रुद्र के ऑफिस में आग लग जाता है। आग काफी ज्यादा फैल जाती है। आग फैलने की वजह से रुद्र बेहोश हो जाते हैं। रुद्र को बेहोश देखकर प्रार्थना भी काफी चौंक जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि प्रार्थना क्या करे। फिर प्रार्थना को शेष नागिन बनना पड़ता है। प्रार्थना तुरंत शेष नागिन बन रुद्रा को बचाती है। और आपको बता दें कि प्रोमो में ये भी दिखाया गया कि दोनों के बीच हल्की हल्की सी मोहब्बत शुरू हो गई है। नागिन 6 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रुद्र अनमोल के मैरिज प्रपोजल को ठुकरा देते हैं, यानी कि रुद्र ये कहते हैं कि अनमोल सिर्फ उसकी दोस्त है और कुछ नहीं। यानी कि अनमोल रुद्र से प्यार करती है और ये एक तरफा प्यार है। और बहुत ही जल्द सीरियल में रुद्र और प्रार्थना का लव केमिस्ट्री दिखाया जाएगा, यानी कि रुद्र और प्रार्थना की लव स्टोरी अब नागिन 6 में शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पे और आप कितने एक्साइटेड हैं नागिन 6 के अपकमिंग एपिसोड के लिए, कमेंट कर हमें बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल गपशप्तों।